summer got dial holes, candy with the hoes. Let's go to party, y'all, I'm missing out, rent the hoes. Music chala do, shuru karo, party ho rahi hai. Bhuti pe la do, usko bhakti ka, I don't care. You have party, 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 party. इससे पहले आप कमेंट्स में अपनी तशरीफ ले आए कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये इवेंट फरवरी में हुआ था जी। तो भैया वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ FSD 8। उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस इवेंट से वो पूरी हो और इंशाल्लाह ये इवेंट कामयाब हो। अभी तक तो हमने बहुत दुआएं की इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मगर कहानी में ट्विस्ट आएगा बाद में। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पे जिस भी इवेंट में मैं जाऊँगा वहाँ पे IMTV वाले ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लाहौर नहीं थी हम। दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा दोस्त लाजमी होता है जिसको हर बात पे गिला शिकवा रहता है जी। तो हाजरीन और नाजरीन, बात ऐसे है कि टाइम जो है वो तकरीबन 8 बजने वाले हैं और सीन्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ ठंडे ही लग रहे हैं मुझे। मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज इवेंट स्टार्ट कर ले, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं और हम इस इवेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फैसलाबाद में कोक फेस्टिवल आई है ना बाद में, उसके बाद अब ये इवेंट आ रहा था कि जिसके लिए हम एक्साइटेड थे कि फैमिली इवेंट होगा, म्यूजिक होगा, खाना होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन हमारी एक्साइटमेंट अभी भी पीक पे है, देखते हैं क्या होता है। यार बात ऐसे है, श्याम भाई चाह रहे हैं कि मैं उनकी थोड़ी सी ना ब्रांड प्रमोशन कर दूं। नहीं नहीं यार, अब सीन ये है कि फाइनली जो है वो इवेंट स्टार्ट होने लगा है और हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर भाई। अबू बकर भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं इन्फ्लुएंसर्स के, और अल्पासो अल्पासो अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मानी जाने फैसलाबाद की शख्सियत रोमी वाली आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ऑफिशियल यूट्यूबर है फैसलाबाद फेस्टिवल के। और अगर आप लोगों को इस इवेंट की हाइलाइट चाहिए तो आप लोग जरूर इनके चैनल पे जाइएगा, आप लोग पूरे इवेंट की कम्प्लीट हाइलाइट और वीडियो व्लॉग जो है जो भी बना रहे हैं जरूर मिलेगा। फाइनली आज का इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज का इवेंट बहुत ज्यादा बैंग बैंग होने जा रहा है, धमाकेदार होने जा रहा है। आगे आगे तो देखो होता है क्या। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये बुलाए। इस तरह के इवेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि एक अदर टैलेंटेड बच्चा जरूर मिलता है। आज के जो हमारे मेन सिंगर्स हैं वो तो अभी तक नहीं आए, हैदर भाई और सिड रैपर डीजे डैनी वो तो अभी नहीं आए। निशाल शाह ने कल आना है, सेकंड डे पे आना है। हमसे अली घोष भाई मिलने आए, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। अभी हमारा जो है वो शवारमा बहरीनी शवारमा रेडी हो रहा है और देख देख के ना मुँह में पानी आ रहा है और ये भाई साहब बड़ा इंतजार करवा रहे हैं। फूड स्टॉल्स, फूड कोर्ट्स, फैमिली फेस्टिवल है, यहाँ पे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है इस टाइम। दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि सिड रैपर जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पे डीजे डैनी भी आ चुके हैं। वेलकम टू आवर सिटी डीजे डैनी एंड सिड मिस्टर रैपर। कैसे आप? सिड रैपर इज हियर विद डीजे डैनी। माफ करना, मैं जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। कुछ खास था ये जान लेती जो मेरी नजर से देखा होता तुमने, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। तूने झूठ किया बर्बाद है, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे, माफिया के गाने सारे याद है। You really rock the floor.
जी तो अभी जो आपने परफॉर्मेंस देखी है सिड मिस्टर रैपर असद भाई की और डीजे डैनी की देखी है, थैंक यू सो मच। क्राउड जो था फैसलाबाद का वो एज यूजुअल अमेजिंग था और बहुत ही मजा आया, बहुत एंजॉय किया। बॉयज बब्बर शेर पंजाबी बॉयज। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम फैसलाबाद आए हैं, पहले भी आप परफॉर्म कर चुके हैं यहां पे? थर्ड टाइम आया हूं फैसलाबाद, लेकिन जितनी दफा आते हैं तो लगता है पहली दफा ही है। न्यू टैलेंट को प्रमोट करें और बस बहुत जबरदस्त है यार, आपकी भी लोग उम्मीद है कि जिन्होंने देखे हैं वो लाइक करेंगे, ये वाला स्पेशली ये वाला लाइक करेंगे। अच्छा बहुत जल्द मेरा भी एक सॉन्ग परफॉर्मेंस में नजर आएगा, बहुत जल्द मेरा भी एक सॉन्ग आने वाला है, मैशअप मैं करूंगा। बेस्ट ऑफ लक ब्रो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं बाहर गया था इंटरव्यू करने के लिए, वापस आया हूं तो आवाम खत्म हो गई। वालेकुम अस्सलाम, रोमियो अली, रोमियो अली। मैं अंदर आया तो ऑडियंस ही खत्म हो गई और बात ऐसे कि अब मैं निकलने लगा हूँ क्योंकि जनता सारी जा चुकी है कि आज के इस शानदार इवेंट में जो हमारे शानदार से होस्ट हैं और इन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया है, हसन भाई फ्रॉम उम्मीद स्कूल। यार आप जहाँ पे भी होते हैं ना आप 40,000 चांद लगाते हैं। थैंक यू रोमियो भाई, और आप भी जहाँ पर भी होते हैं मैं कहता हूँ इवेंट को 4 चांद लग जाते हैं, और जो लोगों को वो इवेंट देखने का मजा आता है वो कोई और नहीं दिखा सकता जो आपकी आंख दिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच। मैं बिग फैन हूं भाई, भाई जन का बिग फैन हूं मैं। थैंक यू सर, सी यू सून ब्रदर्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह कल सेकंड डे पे। यशाल शाहिद कल परफॉर्म करेंगे, कुछ और परफॉर्मर्स है जो परफॉर्म करेंगे। जी तो दोस्तों वेलकम टू सेकंड डे ऑफ फैसलाबाद ईट एट बॉलीवुड मॉल। मैंने बोला था ना कहानी में ट्विस्ट आएगा। हम दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। अहमद भाई, अबू बकर भाई, ये शेख नुमान, नुमान शजर बुखारी, असद फहद, और ये हमारे सूफी साहब। मेरा सही नाम बता के प्रमोशन किया करो, अब्दुल्ला जहीर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जिस जिस लोगों ने अब्दुल्ला भाई को फॉलो किया हुआ है वो सारे जाके हम फॉलो करते हैं। जो लोग पहले दिन नहीं ना गए और जो लोग कह रहे थे कि हम फैसलाबाद ईट के सेकंड डे में जाएंगे वो जरा सामने तो आए। एक तो हमारे भाई जो है वो चुप गए। हमने किसी के साथ आना था, हमको रिजेक्शन हुआ, अब हम नहीं जाएगा, हम खुशी और पट्टी पे मनाएगा यहाँ पर। वो है देखो कितना कुछ नहीं, वो यू वाला हाथों से जो करते होते हो। ये जनाब ये सारे अपने अपने पोज बना रहे हैं और ये वीडियो बन रही थी। बॉलीवुड के रूफ टॉप पे, और हम आज वाउच 365 का यूज़ करते हुए यहाँ की कुछ डील्स जो हैं वो इन्जॉय करेंगे, क्योंकि हम बंदे ज़्यादा हैं और पैसे लिमिटेड हैं तो बचत ज़रूरी है। यार बात ऐसे है कि फाइनली हमारा जो मील है वो आ चुका हुआ है, और ग्रिल सैंडविच स्पेशल चिकन राइस रूफ टॉप के। खाना प्रोग्राम तो हो चुका है कंप्लीट, अब चाय प्रोग्राम चल रहा है फिबी टी से, और हमने फिर से जो है वो वाउच 365 का यूज़ करते हुए हमने चाय मंगवाई है। 150 की चाय हमें 300 में मिली जिसमें 4 कप आए, फायदा उठाया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो हम तुम सबको ये कहता है कि हम दूसरे दिन आने वाला था, वो हमारे साथ प्रैंक हो गया। दूसरे दिन मैंने आने का फैसला किया, और जब मैं आने ही वाला था तो मुझसे एक वीडियो शेयर की गई। जिसके अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा था। भाई सीधी बात है, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर्स ही अनप्रोफेशनल और इमैच्योर हों तो हमारी क्या गलती। और मैंने साथ ये वॉइस मैसेज सेंड किया था कि भाई वो देखो कैमरा आपके साथ प्रैंक हो चुका है, और मज़े की बात ये है कि मेरे पास पासेस अभी भी मौजूद है अगर किसी को लेने हैं। फ्री 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 है ये 450 का पास आपके लिए, ये भी लो, ये भी लो। तो बत्ती बना के आगे तो आप समझिए। लेकिन ये है कि इसको आग लगा दें, क्या पता कोई इतना फेस्टिवल का कोई चाहने वाला हो वो इसको रख ले और फ्रेम करवा ले कि हाँ ये इवेंट कैंसिल हुआ था, ये इवेंट कैंसिल, ये इवेंट कैंसिल, बहुत ज़्यादा। ऑन अ सीरियस नोट, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे इंग्लिश खत्म हो जाती है। मतलब मैं इंग्लिश बोल भी दूँ मगर मैं फन क्रिएटर हूँ, मेरा तो काम ही सारा कमरे में होता है, और कमरे में होता है यार बगैर तो।
हमारा ये एम था कि हमने इस इवेंट को ग्रैंड इवेंट बनाना है और सक्सेसफुल इवेंट बनाना है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और ये वही ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने न्यू ईयर नाइट वाला इवेंट भी करवाया था, पुलिस रेड याद है, हमीद पैलेस, हमीद हवेली जो थी वहाँ पे जो इवेंट हो रहा था ना वहाँ पे पुलिस की रेड हो गई, हमारी ख्वाहिशों के ऊपर जो है ना वो पानी फेर दिया गया है। वो भी गंदा वो भी गंदा पानी नाली वाला। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक इवेंट करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे भाइयों की सपोर्ट से, मेरी टीम की सपोर्ट से वो एक सक्सेसफुल इवेंट होगा। आखिर कहाँ है वो दिन, कहाँ है यार। बात ऐसे है कि अभी मैं एंड करने लगा हूँ आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फैसलाबाद ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह। और आज का जो हमारा मीटअप था ना, अर्जेंट और सडन एक मीटअप था, वो बहुत अच्छा गया है। और बस अल्लाह हाफिज़।